रजिस्ट्रेशन नंबर 66261। ठीक है मैम, टाइम डाल दीजिएगा अभी लिखने का, स्टार्ट टाइम डाल दीजिए। पाँच बज के 22 मिनट 5:22 PM। इसके नीचे एंड टाइम डाल दीजिए और हाँ एंड वो छोड़ दीजिए जगह। अच्छा, इस समय आपकी एज कितनी है मैम? 24 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 66261। कितने साल से पहले ये प्रॉब्लम शुरू हुई है? सर 3 ईयर्स बिफोर। 3 साल पहले? जी सर। क्या दिक्कत हुई 3 साल पहले? सर 3 साल पहले वही लिखते समय तो मतलब मैं पेन कैच अच्छे से नहीं कर पा रही थी। हाँ? फिर मुझे लगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, फिर मैं डॉक्टर को दिखाई, फिर इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो कहाँ पे दिखाया आपने? पहले तो नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर्स क्रैम्प है तो मैंने BHU में दिखाया। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में? सर, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट को। उन्होंने एक बोटेक्स इंजेक्शन सजेस्ट किया, मैंने लगवाया। तो स्टार्टिंग मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई, उसके बाद फिर मतलब सही हुआ, फिर लेकिन फिर पुराने जैसा होने लगा। फिर मैं नेक्स्ट डोज नहीं लिया मैंने। ठीक, और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, और कहीं दिखाया उसके अलावा? नहीं, उसके अलावा मैंने फिर कहीं नहीं दिखाया। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने खुद रिसर्च किया कि होम्योपैथिक में कोई नहीं। एक डॉक्टर आपने बताया था, उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी बताया था, ब्रेन का ऑपरेशन? वही सर बोल रहे थे, BHU में जो न्यूरोलॉजिस्ट सर थे उन्होंने बताया। हम बोले कि ऐसा करवाने नीड नहीं है, बट ऐसा होता रिस्की होता है। बट अच्छा, मतलब ये इलाज उपलब्ध है, उन्होंने बताया ऑपरेशन वाला इलाज भी होता है इसके बाद, इंजेक्शन के बाद? लेकिन कोई वैसा भी कुछ हुआ नहीं है। बोले कि पहले तो इंजेक्शन भी नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में 3 साल पहले आया। ठीक है। अच्छा, दर्द कहाँ पर, लिखने में कहाँ पे दर्द होता है? जब लिखते हैं तो फिंगर डिस्क बन जाता है, और ये पूरा फिंगर जब मुड़ता है तो बहुत दर्द करता है। फिर रिस्ट वक्लाई में भी दर्द होने लगता है ज्यादा लिखो तो। ठीक है। और एक जैसे पेन का जो रिफिल ग्रिप मोटा हो तो अच्छे से थोड़ा लिख पाती है। ठीक है, आपने बताया था ग्रिप चेंज करके लिखते हैं, वो बताया था आपने, अंगूठा अंदर? पहले तो ऐसे करके लिखते थे, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद मैं ऐसे पकड़ पाती थी। ठीक। हाँ, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है, दर्द वगैरह होना, और फिर पेन के ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ा अच्छे से लिख पाती। फिर ज़्यादा लिखने लगती तो इरिटेशन होता है, और फिर मन करता ना ही लिखो, दर्द ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। बाएं हाथ में भी कोई दिक्कत होती है लिखते समय? बाएं हाथ में सर अभी कभी लिखा ही नहीं मैं, वो बोले से ट्राई करने के लिए, पर मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसमें भी फिंगर मोड़ने पर दर्द होता है। ठीक है। कंपन वगैरह तो नहीं होता लिखते समय? नहीं, पहले होता था थोड़ा बहुत पैर में, लेकिन अब नहीं होता। ठीक है, लिखिए। मुझे लिखते समय बहुत प्रेशर लगा के लिखना पड़ता है सर, तो मैं ऐसे लिख नहीं पाती, पेन और इधर उधर होने लगता है। ठीक। और फिंगर भी डिसबैलेंस होने लगता है। हर एक अक्षर लिखने के बाद पेन सेट करना पड़ता है? जी सर, बार बार करना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर मेरी फिंगर भागने लगती है। फिर और ये पतला पेन है इसलिए मैं और नहीं लिख पा रही हूँ, थोड़ा मोटा रहता है उसका वो, तो फिर मैं लिख पाती हूँ। 3 साल से बीमारी बढ़ रही है कि उतने पे ही स्थिर है? तो दर्द वगैरह हो रहा है बस, मैं ऐसे नॉर्मल लिख पा रही हूँ थोड़ा बहुत, बाकी मैं सर काम कंप्यूटर पे करती हूँ ताकि मुझे लिखना ज़्यादा ना पड़े, और एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होता वही करती हूँ, और लिखने वाला तो जैसे चीज़ें दूर दूर कर बहुत कनेक्शन ही कम कर दी हूँ, क्योंकि बहुत इरिटेशन होता है, सर में भी दर्द होता रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है। ठीक। हमारे बारे में कहाँ से, इस क्लिनिक के बारे में कहाँ से पता चला? सर मैंने नेट पे रिसर्च किया था। ठीक जी सर। अभी कोई दिक्कत और बढ़ी है कि जो बताया था आपने वही दिक्कतें? दिक्कत क्या सर, बहुत लिख पाई नहीं, दर्द हो ही रहा है, फिर क्या ही बोलें, प्रॉब्लम तो भी है ही वही सब। ठीक। देख रहे हैं लिखने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है।